यार ये बंदा तो अच्छा है पर अकड़ बहुत है इसमें, एटीट्यूड दिखाता है बहुत, भाव ही नहीं देता। चल भाई बैल लग गया, अपना टाइम होगा। भाई तुझे ऐसा नहीं लगता डेली डेली कॉलेज से बैंक मार के कुछ गलती कर रहे हैं? भाई घर वालों को धोखा दे रहे हैं अपन। अरे ओ भाई ज्यादा चंद्रशेखर आजाद तो बनने की जरूरत ना है। तो एक बात बता, इत लेक्चर लेवा जब ज्यादा मजा आवे या फिर उछल के पत्ता खेलना जब ज्यादा मजा आवे? भाई मजा पत्ता खेलने में होता है। बस तो फिर चल भाई। हाँ भाई आज तो रुकना पड़ेगा भाई। क्यों आज क्या है भाई? न्यू एडमिशन है भाई। अरे भाई वरे एडमिशन का कुछ ना है, न्यू ही आवे है न्यू ही जावे है, दिल्ली का काम भाई। ये रोज वाला सौदा ना है भाई, आज कति न्यारा सौदा है भाई। अच्छा रे। हाँ भाई सही कह रहा भाई, आज तो रुकना पड़ेगा फिर ही थी। चल भाई क्लास ले आएंगे आज तो। आजा हेलो। हाँ बेबी किधर हो अभी? अरे यार मैं तो ना स्विमिंग पूल में खेल रही हूँ पानी के साथ। गर्मी बढ़ गई है ना। चलो शाम को बात करते हैं। अच्छा सुनो, मेरा ना जियो में रिचार्ज खत्म हो गया है तो क्या? थैंक यू। भाई इसका तो बॉयफ्रेंड है यार। कोई बात नहीं भाई, एक आधा बॉयफ्रेंड तो आजकल सब लड़कियां का पाव यार, नॉर्मल बात है। हाँ रोहित। रोहित यार तू आने वाली थी, मैंने काफी वेट किया पर तू आई क्यों नहीं? अरे यार मैं आ रही थी बट ना मेरी ताजी एक्सपायर हो गई तो मुझे ना पापा के साथ उनके साथ जाना पड़ा। अच्छा वो हाँ। सब तो ठीक है पर ताजी कहाँ गुजर गई तेरी? रोहित अरे भाई इसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी है यार। वहाँ फर्जी लड़की है यार। ओके थैंक यू। हेलो ये ले तीसरे बॉयफ्रेंड का और आ गया, पता नहीं किस किस को बेवकूफ बना रही है। वहाँ फर्जी है वही है तो भाई। आजकल एक तो ये फोन है जो झूठ बोलने के लिए चला है, और दूसरी बात आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि दो तीन लड़कों को पटा के रखती हैं और बाद में अपना खर्चा निकालती हैं। सही कहा भाई, इतनी फर्जी लड़कियां हो गई यार। ओके फिर मिलते हैं ना। चल आ जा अपना तो बंकी वाला। चल भाई चल। भगवान करे आपको चौथे पांचवे का नंबर ना जाए। यार ये प्रोफेसर ना सारे प्रोजेक्ट हमें ही दे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा में। लो अच्छा सुनो, देखो दूर रहो मुझसे, तुम मेरे टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हो। मेरे टाइप की मतलब? अच्छा तो आपका न्यू एडमिशन है? हाँ। तो इसी कॉलेज में क्यों? क्या फैमिली चॉइस, वरना कौन आता यहाँ पे? अरे यार तो इसमें क्या बुराई है? भैया मेरी मदद करो, भैया मेरी मदद करो। भाई बात क्यों होगी? भैया मैं हॉस्पिटल में बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, भैया मेरी मदद करो। अरे भाई रुक तो सही, क्यों दिक्कत मान रहे हैं यार, टेंशन ना ले। कोई बात ना रुक। भैया भगवान आपका भला है, भगवान। यार ये बंदा तो अच्छा है पर अकड़ बहुत है इसमें, एटीट्यूड दिखाता है बहुत, भाव ही नहीं देता। क्या?
अरे होए अनारकली कहाँ चली, कहाँ जाने की जल्दी है जाने मन। हटो साइड में। रे मैडम साइड से तो हट जाएंगे पर बुरा तो कौन हटावा गो? भाई बचाएगा नहीं उसको। छोड़ना यार अपने को क्या है। भाई तू कैसी बात कर रहा है यार, ठेका लिया है क्या हमने दुनिया का? वो जैसी भी है पर तू तो लड़कियों की इज्जत करता है ना भाई। ना ना मैडम नो जान दूं यार, क्यों परेशान करने लग रहा है, छोड़ दे। ये इसका सीख है तू यार, जरूरी तो नहीं है कि कोई भी लड़का रोड पे किसी लड़की को बताना है उसका अस्तित्व को। गणा एंटेन कर रहा है तू, ये इसी तोड़ देंगे तेरी। सुनो ये कहना चाहो मैडम। अरे यार बात तो सुनो मेरी। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, कोई पाता यार। मैं उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ। क्या भाई उस लड़की को? वो तेरे टाइप की लड़की है नहीं भाई, पागल हो गया क्या तू? हाँ यार मैं पागल हो गया हूँ, जागते सोते उठते बैठते हर जगह यार उस लड़की की तस्वीर नजर आती है। मैं जितना उससे दूर भागता हूँ वो सामने आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है यार कि मुझे उससे प्यार हो गया है, कुछ भी हो यार। लेकिन फिर मुझे उसकी वो तस्वीर नजर आ जाती है जो हमने पहली बार उसकी कॉलेज में देखी थी। कुछ भी हो यार मैं उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ। सुनो रुको यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे? तुम मेरी हर बात का रिस्पांस क्यों नहीं देते? मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मेरी ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? सब अच्छा है यार, लेकिन करेक्टर में मिस्टेक है। करेक्टर में मतलब? याद करो उस दिन जब फर्स्ट टाइम तुम स्कूटी पे कॉलेज आई थी। अरे यार वो सब मैंने इसलिए किया और इसलिए करती हूँ क्योंकि हर एक लड़का लड़की को देख के उसके पीछे जाने लगता है और मैं नहीं चाहती कि ये वो लड़के मेरे पीछे आए। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं अपने आप को सेव करने के लिए ये सब किया मैंने। और देखो तुम भी मुझे पागल समझ के, मुझे इतना करेक्टरलेस समझ के तुम भी पीछे नहीं आए। अरे यार मैंने कितना गलत समझा तुम्हें, बार बार तुमसे कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाया। बार बार तुम्हारी वो तस्वीर दिमाग में आ जाती थी यार। I love you यार। ये सब सुनने के लिए कितने दिन से वेट कर रही थी मैं। I love you too. Friends, don't judge a book by its cover. And यार किसी भी लड़की के पीछे इतना हाथ धो के मत पड़ो कि वो खुद को अनसेफ फील करने लग जाए। Respect girls. Thanks. मैं वो राज हूँ, तुम हरा ना सकोगी वो अंदाज़ हूँ।